एक उन्होंने कहा कि डिजिटल कुरान पढ़ने की क्या शरी है तो इसमें पढ़ने में तो कोई हर्ज नहीं है हाँ ये जरूर है कि हालत जनाबत हो तो जबान से कुरान पढ़ना मना है अब चाहे वो नक्श की सूरत में हो कागजों पर लिखा हो या डिजिटल टेलीफोन वगैरह से आप ये किसी तरह पढ़ रहे हैं वो मना ही होगा और आ, अगर आपका यह है कहने का मतलब कि जनाबत तो नहीं है बावजूद बेवजू आदमी है वो छू सकता है कि नहीं है तो याद रखिए कि हमारे नज़दीकी ये स्क्रीन वगैरह को छूने में कोई शर्ी तौर पर कबाहत नहीं है क्योंकि इस पर कोई नक्श उभर नहीं आते कि आपका हाथ बरह रास्त को कुरान के ऊपर लग रहा हो और इसको मना करने में मैंने ये देखा है कि बहुत सारे लोग होते हैं ऑफिस तो में होते हैं बहुत सी जगहों पर होते हैं टाइम मिलता है तो फजूलियात में पढ़ने के बजाय मोबाइल निकाला कुरान निकाला और पढ़ना शुरू कर दिया या समझना शुरू कर दिया तो अब अगर उनको मना कर दिया जाए कि पहले वज़ू करें वज़ू की जगह नहीं है गंदे बाथरूम है तो इसका मतलब है कुरान रख दे और फिर वो फजूलियात में पड़ जाए किसी ख़राब चीज़ को देखने लग जाए फजूल गुफ्तगु में पड़ जाए इससे कहीं ज़्यादा बेहतर यह है कि जब यहाँ पर इश्त मसला है और शर रियायत का पहलू भी निकलता है तो हम यही कहते हैं कि अगर मोबाइल वगैरह की स्क्रीन पर हाथ लगाएंगे तो हकीकता कुरान पर हाथ लग ही नहीं रहा आप इसको बिल्कुल टच करके भी पढ़ सकते हैं